अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट एक नेगेटिव टोन में ट्रेड करते हुए नजर आया। वहीं अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो एक पॉजिटिव वे में ट्रेड करते हुए नजर आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर एशियन मार्केट की बात की जाए तो आज एक फ्लैट ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ एसजीएक्स एक 10 पॉइंट नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो कि सारे ही ओवरऑल जो संकेत कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक इंडियन मार्केट की एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है यहाँ पर। तो कल के सत्र में हमने जैसे देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कि निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दिया था, ओपनिंग के बाद एक वीकनेस का माहौल देखने को मिला और जो क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली हमें वो 58 पॉइंट नीचे की तरफ 11,512 के पास की क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली। अब आज जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है निफ्टी का वो आता है 11,430 का, 11,500 के नीचे वीक दिख रहा है निफ्टी, तो 11,430 का सपोर्ट है। और रुपीज रेजिस्टेंस देखें तो 11,550 का है, उसके बाद 11,580 का आता है। तो आज के सत्र में क्या किया जाए, आज एक सेलिंग की सलाह दी जाएगी। 11,500 के पास आप सेल कर सकते हैं, नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 11,430 का, ऊपर स्टॉप लॉस 11,550 के लिए।